नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज़ के साथ, मैं हूँ रूहानी। लापरवाही का नतीजा जानते हैं, इटली के हालात आप देख लीजिए, आप चीन के वुहान के हालात देख लीजिए। मेडिकल की सेवाओं का स्तर इतना ऊंचा है कि भारत को काफ़ी समय लगेगा वहां तक जाने में, लेकिन लापरवाही देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि 21 साल पीछे ले जाएगी अगर 21 दिन जो है बरती गई और सावधानी नहीं बरती गई। तस्वीरें जम्मू के विक्रम चौक से दिखा रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पर लापरवाही करते हुए नज़र आए और सज़ा जो है उनको दी गई है। और यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर सर्कल्स बनाए गए हैं, और जो सर्कल्स बनाए गए हैं वहाँ पर तमाम उन लोगों को बिठाया गया है जो नेशनल लॉकडाउन जो है, सीधे तौर पर नेशनल लॉकडाउन, यानी कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि पूरे देश में लॉकडाउन होगा, ये सिर्फ राज्यों तक सीमित नहीं है, ज़िलों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये जो है पूरे देश में, संपूर्ण भारत में नेशनल लॉकडाउन है। वहाँ तक कुछ लोग घरों से बाहर निकलते हैं, वॉयलेशन करते हैं, और पर लोगों को ये बताया गया है कि ये सज़ा है आपके लिए क्योंकि आप घरों से बाहर निकले हैं। कल का भाषण बहुत महत्वपूर्ण था, देश में प्रधानमंत्री, अगर हम कहें देश के प्रधानमंत्री तभी सामने आते हैं जब देश पर संकट होता है, जब देश जो है संकट से घिरा होता है। अगर देश के प्रधानमंत्री ने आपको जनता कर्फ्यू के लिए आभार प्रकट किया कि आप लोगों ने योगदान दिया और मैं आभार प्रकट करता हूँ, तो आप कहते हैं कि अधिकार बहुत अच्छे हैं, जिम्मेदारी की बात क्यों नहीं करते हैं? अब अपनी जिम्मेदारी भूल रहे हैं। जिम्मेदारी इस प्रकार है कि आपको घरों से बाहर नहीं निकलना है। एक संक्रमित व्यक्ति 10 को संक्रमित करेगा, 10 50 को करेंगे, 50 100 को करेगा, और आंकड़ा चीन के वुहान जैसा होगा, इटली जैसा होगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वो तमाम लोग जम्मू कश्मीर पुलिस के जो अपनी सेवा यहाँ पर दे रहे हैं, अपना कर्तव्य कर रहे हैं। इन सब के लिए तो सोचिए, उन मीडिया कर्मियों के लिए सोचिए, उन डॉक्टर्स के लिए सोचिए, उन तमाम नर्सिस के लिए सोचिए, मेडिकल स्टाफ के लिए सोचिए, और ये सोचिए कि आखिरकार क्या ये जो है हमारे समाज के लिए सेवा कर रहे हैं, क्या ये जो है हमारे समाज के लिए वो कार्य कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि ये आज का समय नहीं है, पिछले काफ़ी समय से डॉक्टर्स अपनी सेवा दे रहे हैं, उनका परिवार है। लेकिन कुछ लोग हैं जनाब, वो मानने का नाम ही नहीं लेते हैं, कुछ लोग हैं जो ये समझने का नाम ही नहीं लेते हैं कि लॉकडाउन का क्या मतलब है। लॉकडाउन का ये मतलब है घरों में बंद रहना है, लेकिन इस तरह से रहना है कि परिवार का एक ही व्यक्ति बाहर निकले, आवश्यकता के तौर पर ही एक व्यक्ति निकलते हुए सामान खरीदने जाए। दवाइयों की दुकानों की बात करूं, वो दवाइयों की दुकानें भी खुली हैं, लेकिन आगे की तस्वीरें आपको बयां करती है कि ये कितने सर्कल्स, कितने दायरे बनाए गए हैं जहाँ पर लोगों को बिठाया गया है और लोगों को ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये जो है आपने किस तरह से इस पर लापरवाही बरती है, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? देश जो है, अगर हम कहें, एक ऐसी स्थिति से जूझ रहा है जहां पर संकट बहुत बड़ा है। वैश्विक महामारी, यानी कि पूरे विश्व में महामारी ने दस्तक दी है, साधारण बीमारी नहीं है, महामारी है, और इसमें सतर्क रहना ही सबसे बड़ी ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा यही आपको देखना है कि आपके परिवार की जान आपके हाथ में है, आपके फैमिली मेंबर्स की जान आपके हाथ में है, आपकी जान आपके हाथ में है, बुज़ुर्गों की जान आपके हाथ में है। तो जनाब, ऐसा क्या हो जाता है कि आप घर से बाहर निकल जाते हैं? यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लोगों से अभी भी पूछताछ कर रहे हैं और उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार कहाँ जाया जा रहा है। असेंशियल सर्विसेज की बात करूँ, कल अचानक से हड़कंप सा मच गया देश में। रात की तस्वीरें कहीं ना कहीं हमें इस तरह से हैरान करने वाली थी कि लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ये तो कहा कि आज से ही लॉकडाउन हो रहा है, नेशनल लॉकडाउन हो रहा है, लेकिन क्या असेंशियल सर्विसेज ऑपरेट करेंगी? असेंशियल कॉमोडिटीज़ मिलेंगी? बिल्कुल मिलेंगी। आज भी हम कहें तो दुकानें खुली हुई हैं। ये देखिए तस्वीरें, अभी भी उन लोगों से पूछा जा रहा है कि आप जो है कहाँ जा रहे हैं, आप जो है किधर जा रहे हैं। पूरी जांच के बाद ही लोगों को आगे जाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अपील है, आपकी जान आपके हाथ में है, परिवार की जान आपके हाथ में है। जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मैं प्रधानमंत्री के तौर पर आपके सामने नहीं आया हूँ, मैं आपके परिवार का एक सदस्य के तौर पर आया हूँ, वैश्विक महामारी है, बहुत बड़ा संकट है, हम सब इसको झेल रहे हैं, लेकिन 21 दिन
सब्र रखिए, संयम रखिए, संकल्प करिए कि हमें घर से बाहर नहीं निकलना है, ज़रूरी आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलना है। ये जवान जो है, इनका भी एक परिवार है, अगर मैं तस्वीरों में दिखाऊँ इनके भी फैमिली है, लेकिन ये सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ आपके लिए यहाँ पर खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? ताकि आप लोग घरों से बाहर ना निकले, आप लोग सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी हैं, देख रहे हैं ना कहाँ से कहाँ तक पूरा शहर है ये, और कितना बड़ा दायरा है हर एक चौक पर, चौराहे पर। इसी तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान सब लोग आपके लिए ही खड़े हैं। लेकिन ये वो लोग हैं, इस तरफ की तस्वीरें भी दिखा दूँ आखिरी, ये वो लोग हैं लापरवाही बरत रहे हैं, ये वो लोग हैं जो बाहर निकल रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, और शायद ये लापरवाही बहुत भारी पड़ेगी। क्यों नहीं समझ रहे हैं? इटली जैसा हाल हमें नहीं चाहिए, हमें हमारा देश स्वस्थ चाहिए। आंकड़ा जो है कोरोना वायरस के मरीज़ों का 500 से पार हो चुका है, लेकिन हाँ सीधे तौर पर अपील है उन तमाम डॉक्टर्स की सोचिए, मीडिया कर्मियों की सोचिए, पैरामेडिकल स्टाफ की सोचिए, उन तमाम लोगों के लिए सोचिए जो आपके लिए चिंता करते हैं और आज भी सेवा दे रहे हैं। अगर आपको कोई रिपोर्ट देखनी है टीवी पर देखिए, अखबारों में पढ़िए, लेकिन हाथ जोड़कर अपील है घर से बाहर मत निकलिए, ये घातक हो सकता है आप सबके लिए, परिवारों के लिए। और यही कहेंगे कि हम अगर सुरक्षित हैं तो सब सुरक्षित हैं, देश को सुरक्षित रखिए। एक एक नागरिक की जो जान है बहुत कीमती है, उम्मीद है आप समझेंगे, और इस तरह से जो सज़ा दी जा रही है उसमें आप एक नहीं होंगे। इसी के साथ कैमरामैन गुलशन कुमार के साथ मैं रूहानी आपसे बदलूँगी।